जिला पुलिस की तरफ से बेखौफ आवाज अभियान के तहत गुरुवार शाम को शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा, अपराध एवं अत्याचार रोकथाम के लिए आम जन को जागरूक करने का संदेश दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूक रहने और लैंगिक समानता उत्पन्न करने सहित महिला अपराधों में कमी लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार शाम को शहर में इस अभियान की शुरुआत करते हुए जन जागरण रैली निकाली गई। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर होप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहा होते हुए भगत सिंह सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। साथ ही आम जन में अपने अपने क्षेत्र में महिला अत्याचार को रोकने तथा महिलाओं के प्रति युवा एवं बालकों में सम्मान का भाव जागृत करने की अपील की गई। रैली में सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत उत्तर, विकास सांगवान, प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री और कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा सहित 70 से 80 पुलिसकर्मी शामिल रहे। बेखौफ आवाज के हमारे दो मेजर कंपोनेंट रहेंगे, एक तो है लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में हम बड़े बड़े इसमें कोई बड़े भाषणबाजी नहीं करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे लॉ के जो प्रावधान है वो हम बच्चियों को समझाना चाहेंगे कि आप नादानी में बच्चे बच्चियाँ जो गलती कर देते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि उन पर अपहरण का जो केस है वो भी दर्ज हो सकता है, पॉक्सो का भी, रेप का भी। तो हमारा मेजर काम रहेगा कि नादानियों को हटाना। दूसरा, जो पुरुष वर्ग है, जो हमारी अहम कड़ी है, आप देखेंगे कि जितने भी महिलाओं के लिए जितने भी एक मूवमेंट रहे उसमें पुरुषों ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया है, तो उनमें एक बिहेवियरल चेंज लाना और एक नैतिक जिम्मेदारी समझना कि कोई भी बेटी हो, बहन हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो, महिला मित्र हो, अगर किसी के साथ भी किसी प्रकार की गलती होगी तो उसकी बेखौफ आवाज़ को बढ़ावा देंगे और उसकी आवाज़ बनकर पुलिस तक सामने आएंगे और भी जो जिला प्रशासन के और विभाग हैं जैसे महिला कल्याण विभाग, वहाँ पर आकर उसका बात करेंगे उसका।